हाँ तो प्यारे कप्तान, देखो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया कि तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 8वीं में हो, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पीएचडी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, काई की तैयारी कर रहे हो, और तुम्हारे उसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है और समाज आता है। हिंदी सब्जेक्ट आता मतलब समाज आएगा, संधि समाज दो चीज़ें ऐसी आदि आती आती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो समाज, और तुमको देखकर डर लग रहा हो मेरे जैसे, उन समाज भैया कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने इसमें बहुत कंक्लूड कर दिया, बिल्कुल इतना कंप्रेस कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि बहुत ही आसान, ठीक है। तो 10-15 मिनट के वीडियो में पूरी चीज़ मैं बता दूंगा, इसको देखने के बाद इतना भरोसा मैं दिलवाता हूँ कि समाज से डर नहीं लगेगा। याद होनी वो अलग बात है, पर समाज से डर नहीं लगेगा, ऐसा लगे समाज से हटा, तो वही चीज़ हटा वाली, उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आओ इधर निगाह पाड़ो, समास, ठीक है, समास है क्या एक्चुअल में, तो देखो इधर पढ़ो, दो या दो से अधिक मतलब दो शब्द भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं, ये बात याद रख लेना। अब मेरे भाषा में सुन लो, समास का मतलब क्या है, समास का मतलब ये बता, मैंने बोला रोग से मुक्त, तो मैं इसको और कंप्रेस कंक्लूड कैसे कर सकता हूँ, रोग मुक्त, तो से हट गया इसमें से, तो यही समास है, मतलब चीज़ों को और छोटी कर देना, रोग से मुक्त की जगह रोग मुक्त बोल दो, बस यही है, यही समास और कुछ भी नहीं है। तो आओ तो सही, समास के भेद, कोई पूछ ले समास के भेद कितने होते हैं, तो फट से बोल देना उसको 6, वो कह देगा नहीं 7 होते तो वहीं कन्पटम मार देना, देरी मत करना, मर्डर ही कर देना भले, तो 6 भेद होते, इससे ज़्यादा भेद ही नहीं होते समाज के, ठीक है। मैं बता दूं कि जैसे ये मान लो तत्पुरुष, इसके अंदर और भी नियम होते हैं, इसके अंदर और नियम होते हैं, ठीक है, लेकिन भेद मेन देखा जाए तो 6 ही होते हैं। एग्जाम में 7-8 कहीं का दोस्त के दिन हो तो उतनी घड़ी गला घोट देना उसका, 6 मतलब 6, बात खत्म, 6 से 1 भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है भैया। अब ये 6 है तो इनके नाम देखो तुम, अव्यवी भाव समाज, अब मैं इनको याद करवा देता हूँ, इसकी ट्रिक नहीं है, अब ट्रिक है द्वंद्वी अब तक इस टाइप से बहुत सारी ट्रिक है, पर मैं फिर भी इसको एक स्टोरी बना देता हूँ। तो अव्यवी भाव समाज, जिसके बाद में तत्पुरुष समाज, तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे भाव आया, एक पुरुष को भाव आता है, तो अव्यवी भाव, भाव आया किसको, पुरुष को, तो उसके बाद में पुरुष तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो भैया पुरुष को भाव आया तो कैसा भाव आया, काम करने का, कर्म धारण, काम करेगा पुरुष, अब कर्म धारण करेगा तो काम करते करते भी बहुत सारे पुरुषों के साथ दोगलापन हो जाता, बेचारा घर से काम, बाहर से काम करके आया, घर में आया तो भी उसके साथ दोगलापन हो रहा, तो ये द्विगु समास, द्विगु समाज, अब वो उसके साथ दोगलापन होगा तो उसको क्या होगा, घर में द्वंद्व होगा, द्वंद्व मतलब लड़ चल जाएंगे घर में, उनने कि मेरे साथ ऐसा क्यों भेदभाव, तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व मतलब झगड़ा होता है देखा जाए तो, एक बेसिक, ठीक है। और ये बहुविग्री समाज, तो द्वंद्व किससे होगा, घर की बहु बेटी उनसे, तो बहुविग्री समाज। तो देखो यहाँ पे, अब इधर देखो मैं बताता हूँ, भाव आया किसको, पुरुष को आया, पुरुष को कैसा भाव आया, कर्म करने का मतलब काम करने का भाव आ गया, काम करा उसके बाद में क्या होगा भैया, काम करने के बाद भी उसके साथ क्या होगा, भेदभाव होगा, द्विगु समाज, और भेदभाव के साथ उसके साथ फिर क्या हुआ, भेदभाव होगा तो वो लड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो द्वंद्व होगा, और द्वंद्व होगा किससे, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, ठीक है। तो इस टाइप का सिस्टम है, अब ये हो गया समास के पूरे याद हो गए तुमको। अब देखो अगला मैं बताता तुमको कि कोई सा भी समास है, शब्द परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पटवारी हो गया और कोई सी भी हो गया, इनमें एक बेसिक क्वेश्चन क्या आते हैं, कोई सा शब्द देंगे, ये शब्द इसमें कौन सा समास है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जो तुम बोलो ना कि शब्द तोड़ना जोड़ना, वो चीज़ें बेटा प्रैक्टिस से आती है, उसमें सीनू भैया कुछ नहीं कर सकते, सीनू भैया कोई कलेक्टर नहीं तुमको बता दे कि ये लो जड़ी बूटी खा लो और काम हो जाएगा, प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। बट मैं तुमको ये बता दूं कि ये शब्द कहीं ने दिया शब्द, वो पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास है, तो वो चीज़ें पहचानना मैं बता रहा हूँ। देखो पहला समास अव्यवी भाव समाज, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास, अपन ने स्टोरी बनाई ना, हाँ, तो अव्यवी भाव समाज, कुछ नहीं करना है, कोई सा भी शब्द ऐसे लिखे, ये 3 एग्जाम्पल लिखे, जैसे क्या क्या, कोई सा भी शब्द लिखा है और उसमें यह दिख रहा है तुमको, यथा, जैसे यथा संभव, इसमें यथा दिख रहा है, आ दिखा, शुरू में आ दिखा, भर दिखा, अनु दिखा, निर दिखा, प्र दिखा या प्रति दिखा, कोई से भी शब्द में ये अक्षर दिखते हैं तुमको शुरू में, तो क्या है वो, अव्यवी भाव समाज है। कैसे भैया, प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या दिख रहा है, प्र दिखा, प्र क्या है ये, दौड़ के लगा दो फट से, अव्यवी भाव समाज। आजन्मा, आजन्मा में आ दिख रहा, कहाँ है आ, यथा संभव, यथा संभव में क्या दिख रहा तुमको, यथा दिख रहा, ये है, बाकी सबके भी एग्जांपल है पर वीडियो बहुत लंबा जाएगा इसलिए अपन ने नहीं लिखे। हाँ, कोई ज्यादा ज्ञानी है, श्री श्री 108 परमपिता परमेश्वर, मेरे को पता बहुत ज्ञानी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो तुम कमेंट करके बताओ इन सबके एग्जांपल, बता सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला, अव्यवी भाव समाज में किसी को कोई समस्या आपत्ति हो तो बताओ मेरे को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तत्पुरुष समास, भाव आया उसके बाद क्या आया, भाव आया किसको, पुरुष को, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समाज में कुछ भी नहीं है, कोई भी शब्द ऐसा दिखे जिसमें तुमको का, की, को, के, लिए या में, पर, से शब्द, बस इनको याद करना, तुमको कुछ भी नहीं करना, इनको याद कर लो और कुछ नहीं पूछेगा नहीं तुमसे, मान के चलो बस ये याद कर लो तुम। तो जैसे चिड़ी मार, अब इसको आप बोलोगे, जैसे मैंने बोला था रोग से मुक्त, रोग मुक्त ऐसा हुआ था ना, तो ऐसे चिड़ी मार, अब मैं इसको बोलूँ इसको लंबा करो तो अपन क्या बोलेंगे, चिड़ी को मारने वाला, तो चिड़ी को मारने वाला तो बीच में को आया तो को कहाँ गया भैया, ये कई बात समझ में। जिसके बाद में रोग मुक्त, मतलब हाँ ये वो आ गया ना, रोग से मुक्त,
से है कि नहीं है, देखो अपने इसमें है। गौशाला, गौ के लिए साला, गौ मतलब जाने वाला गौ नहीं, गौ माता, योगी जी वाली गौ माता, ठीक है, तो गौशाला के लिए आ गया। जिसके बाद आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, तो पर कहाँ है, नहीं है क्या, है, अच्छा हुआ बेइज्जती होने से बच गई, पर भी है, ठीक है, तो आप बीती। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, फिर वही बात, वीडियो लंबा करने से मतलब नहीं है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास, ये शब्द रट लो बस, कुछ नहीं करना है। और ये थोड़ा जो तुम बोल रहे हो ना भैया रोग से मुक्त, रोग के लिए मुक्त कर दे तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हम कैसे सीखेंगे, ये प्रैक्टिस से सीखोगे, कुछ भी नहीं करना, प्रैक्टिस से सीखोगे। ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखो जो लोग बहुत सारे एक्सपर्ट है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें टेस्ट दिया 25-30 क्वेश्चन का, उसमें समास के क्वेश्चन है सारे। वीडियो देखने के बाद उसको लगा के देख लेना, तुमको सूझ पड़ जाएगी कि तुम कितने पानी हो। और जिस व्यक्ति ने पहले से समास पढ़ रखा वो भी लगा के देख लेना, और उनको बताना जरूर कि मजे कैसे आया उसमें, है ना। ठीक, अब आओ यार अगला क्वेश्चन पे भैया। अव्ययी भाव समास, भाव आया था पुरुष को, तो पुरुष हो गया था तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास तो पुरुष क्या करता है, काम करने, घर से बाहर कौन जाता, पुरुष जाता है, ऐसा अपना समास कहता है। हालांकि महिला भी जाती, पर अपन याद करने के लिए थोड़ा, तो कर्म करने गया बाहर, ठीक है, तो कर्म धारण समाज। अब कर्म धारण समाज में कुछ नहीं, कोई सा ऐसा शब्द जिसमें ये ध्वनियाँ आए, हे जो या के समान, ऐसा फील हो तुमको या फिर प्रैक्टिस से तुमको याद हो जाए, तो वो क्या है, ये महापुरुष। महापुरुष को मैं बोलूँ इसको थोड़ा लंबा करो तो कैसा होएगा, महान हे जो पुरुष, ये लिखा है, महान हे जो पुरुष, ये आ गया। तो हे जो आ गया मतलब क्या आएगा, कर्म धारण समाज, कमल तो ऐसा हो जाएगा, तो के समान ये हो गया, ठीक है। दो एग्जाम्पल लिखे हैं और इसमें बस दो ही चीज़ें, हे जो या के समान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, बस इतना याद रखना है तुमको। अब अगला देखो, मैं इतना स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा वीडियो में घंटे बनो बाकी टीचरों की तरह, तो मैंने कहा शॉर्ट शॉर्ट में बता दो, क्योंकि इतनी सी चीज़ें उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि अलौकिक चीज़ें बता दूँ बड़ा चढ़ा के ऐसा हो गया वैसा, फालतू की बात। दिगु समाज, दिगु समाज स्टोरी एक बार रिकॉल करो भैया। भाव आया पुरुष को, तत्पुरुष समास, उसके बाद में क्या हुआ, तत्पुरुष समास के बाद पुरुष जाता है काम करने, अब काम करके घर आता, उसके बाद भी क्या होता है, उसके साथ भेदभाव होता है। दिगु, दिगु से मतलब भेदभाव के, थोड़ा सा उसके साथ भेदभाव हो जाता है, तो दिगु समास, ठीक है। अब दिगु समास में होता क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक हो, कैसे भैया, आओ इधर, दोपहर, दोपहर, तो पहर मतलब तो ठीक है, दो मतलब दो, दोपहर, तो यहाँ पे संख्या दिख गई, संख्यावाचक मतलब दो, तो दोपहर, ठीक है। जिसके बाद में तिरंगा, तिरंगा में कितने कलर होते हैं, तीन, इसलिए तो इसका नाम तिरंगा है, तो तिरंगा, तीन वाली ध्वनि दिख गई ना यहाँ पे। नवरात्र, नवरात्र मतलब नौ रात्रियों का समूह, संख्यावाचक है कि नहीं है। अब ये हो गया यहाँ तक, बस कुछ भी नहीं करना, कई का भी शब्द उसमें ऐसा संख्या निकल के आए, नौ, दस, दो, पाँच, पंद्रह, बीस, पच्चीस, उनचास, साठ, पैंतालीस, ऐसी, तो वो क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, और वो क्या हो जाएगा, इधर दिगु समास हो जाएगा, ठीक है। और किसी के झांसे में आना नहीं, किसी देवधामी बाबा के, किसी के भी, मैं जो बता रहा हूँ वही परम सत्य है, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में पढ़े ही, ये बापदा जमाने में कभी पढ़े नहीं थे मैंने, तो पढ़ लो जरा, इधर देख लो। द्वंद्व समाज है ना, अब पुरुष घर में आ गया, उसके साथ भेदभाव हो गया, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व हो गया, तो द्वंद्व में कुछ भी नहीं, कोई सा भी शब्द जिसमें और या, ये दो चीज़ें दिखे तुमको उसको बड़ा करने के बाद में, तो क्या आ जाएगा, जैसे नदी, नाले। और हाँ एक चीज़ और, कभी भी बीच में ये डेस दिखे ना तुमको, तो डेस का मतलब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समाज, याद रखना, नदी और नाले। तो इसका मैं बोलूँगा कि इसको डेस को हटाओ और इसको ऐसे लिखो, तो नदी और नाले आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राम और श्याम, या फिर राम और शाम के बीच में एक डेस लगा सकते हैं। जैसे खरा खोटा, खरा या खोटा, मतलब ये अपोजिट हो गए, खरा या खोटा, ये अपोजिट, तो याद रखना या और आ जाए तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समाज हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ी पल्ले, नहीं पढ़ी हो तो वीडियो को देख लेना, हो सकता है वीडियो थोड़ा स्पीड में चले, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है, यू कैन डू इट, चलो चलने दो, ज़्यादा मोटिवेशन मत लो। बहुविग्रह समाज, अब झगड़ा किससे हुआ द्वंद होने के बाद में भैया, घर की बहु बेटी से, तो बहुविग्रह समाज, तो देवी देवताओं के नाम जहाँ पे भी किसी भी शब्द में तुमको ऐसा लगे कि यार ये तो देवी देवता बाबा ऐसा, मतलब थोड़ा लगे कि देवी देवताओं के नाम से मैच कर रहा है, उनकी कुछ उनको प्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुविग्रह समाज। कैसे, गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो गंगाधर, तो ये गंगाधर जो है ना भैया, गंगाधर का मैं पूछूँ, गंगाधर का आप निकालो एक, तो देव का मतलब गंगाधर का मीनिंग अपने जो भगवान के सेंस में क्या निकलता है, शिव भगवान, मतलब गंगा को धारण करने वाला शिव जी, गंगाधर, ठीक है। तो शिव जी अपने हो गए शक्तिमान, इधर गंगाधर का घनानंद, मतलब घन के समान श्याम, मतलब कृष्ण जी, तो घनानंद का मीनिंग क्या निकलता है, श्याम, ठीक है। इसीलिए अपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसे नाम रखे जाते हैं अपने, जो अपने दादा परदादा ये सब लोग हैं, इनके सबके नाम आप देखोगे तो ऐसे, क्योंकि इन नामों में अपने को लगता है भगवान का नाम नहीं, पर इन नामों का सेंस क्या होता है, भगवान का नाम। तो याद रखना, ऐसा कोई सा भी नाम या शब्द जिसमें भगवान वाला सेंस या देवी देवता वाला सेंस, ठीक है, जो अपने ग्रंथ वगैरह इस टाइप की सेंस निकले, वो क्या हो जाएगा, बहुविग्रह समाज, ठीक है। दशानंद बताया था ना ये मैंने, यहाँ पे दस वाली ध्वनि भी निकल रही कि दस सिर वाला,
लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या निकल रहा है, रावण, दशानन का मतलब रावण, तो इसीलिए कहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक सेकंड रुक जाओ मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दशानन क्या हो गया, इसका अपवाद हो गया कि नहीं हो गया, अपवाद मतलब जो इसमें नहीं आता हो लेकिन इसके जैसा हो वो अपवाद, ठीक है। तो बस इतना याद रख लेना, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया यहाँ तक सिस्टम, और भी है क्या, छः हो तो गए और क्या, कई कप के देख सातवा, तो सातवा उतनी घड़ी कनपटे मार देना, मैं तो सीधी बात हूँ, छः तो भेद ही है और कहाँ का सातवा। तो कुल मिला के ये इतना सा था, कितने लोगों को पल्ले पड़ी, कितने लोगों ने पहले से पढ़ रखा था, कोई भी हो कैसे भी हो होशियार मत बनना, एक प्यारी सी कमेंट करना, इतने मैं खुश हो जाऊंगा और कुछ नहीं करना है बस। लेकिन आपके लिए एक चीज़ बड़ी मेहनत से करके रखी, मैंने मेरे हाथों से बनाया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें टेस्ट जरूर लगा लेना, 25 क्वेश्चन का, 20-25 क्वेश्चन दे रखें, उससे तुमको सूट पड़ जाएगी समाज, तुमको कितने समझ में आए, कितने याद है, कितने नहीं याद है, कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी की कंडीशन में पटवारी की लहर चल रही है, पटवारी में भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं फलाना ढिमकाना कई की तैयारी कर लो, सब में आएगा, जहां हिंदी आती है वहां समास आते हैं, इंडिया अपना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे अपना प्यार बनाए रखो, धन्यवाद बहुत बहुत। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो किसी टीचर से पूछने में शर्म आ रही हो वो मेरे से पूछ लो, इसका मतलब नहीं भैया यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पूछने लग जाओ तुम, कोई का ऐसा पढ़ाई लिखेगा क्वेश्चन पूछना, ठीक है, धन्यवाद।